विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नमाज के बुलंद दरवाजे पर झंडा भीलवाड़ा से आए गौरी परिवार की ओर से चढ़ाया गया। इस झंडे की रस्म के साथ ही ख्वाजा गरीब नमाज का 810वां सालाना उर्स शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी के बीच गाजे बाजे और पुलिस बैंड की मौजूदगी में गौरी परिवार के साथ ही दरगाह के अन्य पदाधिकारी दरगाह गेस्ट हाउस से झंडा लेकर बुलंद दरवाजे पर पहुंचे। इस दौरान झंडे को चूमने के लिए हजारों की संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे, जिन्होंने इस झंडे के दीदार के लिए घंटों तक इंतजार किया। हजारों जायरीनों की मौजूदगी में शानो शौकत से ख्वाजा गरीब नमाज के सालाना उर्स की शुरुआत झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ की गई। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। झंडा चढ़ाने के साथ ही गौरी परिवार व दरगाह के अन्य पदाधिकारी ख्वाजा गरीब नमाज की दरगाह पहुंचे, जहां विशेष दुआ की गई और देश विदेश में अमन चैन भाईचारे के साथ ही देश में चल रही कोविड-19 महामारी के खात्मे की दुआ मांगी गई। इस मौके पर दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान ने कहा कि कोविड-19 महामारी की तमाम गाइडलाइन के बीच उर्स मेला आयोजित किया जा रहा है, इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने उर्स मेले को लेकर जिला पुलिस प्रशासन का भी आभार जताया, जिससे कि मेला शांतिपूर्ण संपन्न हो। वहीं उन्होंने कहा कि हर वर्ष दरगाह की मजार शरीफ पर चादर व अकीदत के फूल पेश होते हैं, लेकिन इस बार महामारी के चलते ऐसी व्यवस्था अब तक शुरू नहीं की गई है। ऐसे में जो भी चादर होगी वह सीधी भेंट की जाएगी और उर्स मेले में तमाम रस्में आयोजित की जाएगी। देखिए 810वें उर्स की आज जो झंडे की रस्म आज हो गई है, मैं राजस्थान सरकार को, अजमेर एडमिनिस्ट्रेशन को और तमाम जो दरगाह से जुड़े हुए जो तमाम जो स्टेक होल्डर है, जिसमें जो हमारी अंजुमन सैयद जादगान, शेख जादगान और तमाम जो यहाँ पे चाहे जो भी यहाँ पे हब बारीदार हैं, मोरूसी हमले वाले हैं, दीवान साहब है और दरगाह कमेटी, तमाम जो जिम्मेदार है और ख़ास तौर से मैं अजमेर प्रशासन का, जिसके अंदर कलेक्टर साहब, एसपी साहब और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आज बहुत अच्छे से ये रस्म अदा हो गई है। आगे हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस है क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है, तो मैंने पहले भी तमाम जो गरीब नवाज के चाहने वालों से ये अपील की थी कि जो बुज़ुर्ग है, जो घर छोटे बच्चे हैं, वो अपने घरों से ही फातिहा का नजराना पेश करें, क्योंकि अभी ये वक्त ऐसा है। और जो जायरीन यहाँ पे आना चाहते हैं, जो सालों से आते हैं वो आए, लेकिन अपने उनका वैक्सीनेशन उनके दोनों हो गई हो तभी आए, सर्टिफिकेट साथ लेके आए और PCR टेस्ट करा के लेके आए, क्योंकि हमें गाइडलाइन की को फॉलो करना है। और बाकी ये गरीब नवाज का 810वां उर्स है, मैं तमाम जो गरीब नवाज के चाहने वाले अकीदतमंद को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दरगाह कमेटी और तमाम जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सब की ये कोशिश रहेगी कि पूरे मुल्क भर से आने वाले जायरीनों को बेहतरीन यहाँ पे सुविधाएं दें और उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी भी कर ली है। और आज मैं फिर सबका धन्यवाद करता हूँ, हमारे से जुड़े हुए तमाम लोगों का, और जायरीन को मुबारकबाद देता हूँ।